हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और मैंने और विनोद ने ली है अभी बैड टी और ले रहे हैं मधुर मधुर भजन का आनंद एज यूजल, जो कि हम लोग रोजाना लेते हैं। जो ठाकुर जी के भजन हैं उन्हें सुनना, हनुमान जी के भजन और हनुमान चालीसा सुनना, ये रूटीन में हमारा है। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये पूरा एक घंटे का जो टाइम है वो बहुत शांति के साथ हम लोग बैठ के ये पूरा का पूरा जो भजन कीर्तन होता है वो सुनने में लगाते हैं, ठीक है। और हनी आ चुकी है और हनी कर रही है काम। अभी हनी अपना काम में लगी हुई है, पूरा किचन साफ कर चुकी है। हनी हेलो बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाय, कैसे हो? और सारा किचन विचन पूरी साफ कर चुकी है, बस अब इसका झाड़ू लग चुकी है, सारा काम हो चुका है, खाली पोछा लगा हुआ है। आई थिंक ये जीने वीने पे पोछा लगाने अभी जा रही है शायद, है ना हनी? हाँ, हनी ने अपनी शक्ल दिखा दी, देखो। तो फ्रेंड्स, मैं और विनोद आ चुके हैं बालकनी में और यहाँ पे आ चुकी है एक बिल्ली। ये यहाँ आसपास के घरों में ना रहती है, तो ये पेट तो नहीं है लेकिन फैमिलियर काफ़ी है हम लोगों से। तो फ्रेंड्स, विनोद इस बिल्ली को ना दूध में बिस्किट लेके आए हैं, वो खिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन शायद उसका पेट भरा हुआ है, ये खाना नहीं चाह रही है। विनोद ने उसके आगे भी डाल दिया है लेकिन वो खा नहीं रही है। उसका मूड है कि वो यहाँ बैठकर मज़ा करने वाली है। बैठ गई है बड़े आराम से। विनोद काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसको कि भाई खा ले खा ले खा ले, पेट भर ले, लेकिन ये नहीं खा रही है, नाराज़ सी होके बैठ गई है। 10:05 हुआ है और मैं आई हूँ सिर देवता को जल चढ़ाने के लिए छत पे। मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम है और साथ में विनोद भी आ गए हैं। विनोद आ गए हैं अपनी चाय लेके, सेकंड वाली चाय लेकर। मेरी चाय नहीं लाए हैं अभी? नहीं, एक्चुअली मैं जल चढ़ा चुका था, ये जल चढ़ाने आई है तो मैं अपनी चाय लेकर के आया था। मैंने कहा शायद ये पीना पसंद करेगी नहीं करेगी, तो सबसे पहले तो मैं गुड मॉर्निंग कह दूँ आपको, मैंने गुड मॉर्निंग नहीं बोला। और आप लोग कैसे हैं? सब खुश होंगे, मस्त होंगे, सबको इस टाइम फिट रहना बहुत ज़रूरी है। सब खुश रहे, मस्त रहे अपने फैमिली के बीच में, ऐसा हम लोग प्रेयर करते हैं अपने सभी सब्सक्राइबर, सारी दुनिया सबके लिए। योग करें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, क्योंकि विनोद तो रेगुलर योग करते हैं। मैं कभी कभी करती हूँ, रेगुलर नहीं करती हूँ। वेदर बहुत अच्छा है आज, बहुत लवली वेदर है। आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे पूरा घटा हो रही है और बहुत ठंडा ठंडा सा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अपने आप में। तो ऐसे में मन करता है कि अब मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं नीचे जाऊं और जाके ब्रेकफास्ट बनाऊं, क्योंकि मेरा ऊपर से जाने का मन नहीं कर रहा है। यार मुझे पूजा करनी है अभी। मुझे भी पूजा करनी है, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाना है। आजकल लॉकडाउन क्या चल रहा है ना, सारा सिस्टम खराब हुआ पड़ा है, सब डिले 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 डिले, हर चीज़ में डिले। थोड़ा सा इंसान लेजी हो जाता है, कर लेंगे ना, कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं है, तो रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। जब वैसे भी हॉलीडेज होती हैं या फिर जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो रूटीन सभी लोगों का मैंने देखा है, जल्दी सभी का थोड़ा सा डिस्टर्ब है रूटीन। तो होप कि सारा कुछ अच्छा हो जाए और सब पहले जैसा रूटीन में आ जाए सब कुछ, ऐसा हम लोग चाहते हैं। और इस टाइम सभी लोग ना घर में बहुत बोर भी फील कर रहे हैं। तो जी, मैंने वरदान और परी का जो फेवरेट ब्रेकफास्ट था वो बना के कर दिया है रेडी, और ये यमी यमी से बन चुके हैं चिली पटेटो। मैं जाती हूँ उन दोनों के पास लेकर, खुश हो जाएंगे दोनों, बहुत खुश होंगे देखकर, क्योंकि कल रात को उन्होंने मुझे बोल दिया था कि मम्मा सुबह ब्रेकफास्ट में हमारा चिली पटेटो बनना चाहिए। तो वरदान वरदान, अरे कहाँ है ये, कहाँ है कैंडू? कैंडू आ जा, देखती हूँ ढूंढती हूँ कहाँ गायब हो गए दोनों। उधर होंगे, अरे यार दिख ही नहीं रहे बच्चे कहाँ गायब हो गए। अरे ये रहा, ये ना के आ चुका है, चमन चमन चिका मिले थे, चलो चलो मैंने चिली पटेटो तो बना दिए, जल्दी से खा लो, जल्दी 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 जल्दी। और केंदू गाय, केंदू गाय, केंदू गाय, केंदू, केंदू ये बैठा, केंदू ये बैठा, वरदान, ओए
टेस्ट करना भी शुरू कर दिया, मजा आ गया खा के। पर आप भी टेस्ट करो जरा, जल्दी से बताओ कैसे बने। यम्मी यम्मी देखने में टेस्टी है, तो खाने में कैसे होंगे? सुपर सुपर डुपर डिलीशियस। आज मैं बहुत सोई हूँ, 2 घंटा 2.5 घंटा पूरा सोई हूँ, बहुत नींद आई थी मुझे। एक्चुअली इतना लंच किया मैंने 2 o'clock पे, और 2 o'clock के बाद में बस मुझसे फिर उठा ही नहीं गया। उसके बाद मुझे भयंकर वाली नींद आ गई, कभी कभी आती है कभी कभी, अदरवाइज़ मुझे डे टाइम में सोने की आदत नहीं है। बहुत ज़्यादा सोई हूँ आज, 2.5 घंटा बहुत होता है मेरे लिए सोने का। और ये मेरा टुंडा आ चुका है, टेंडू, टेंडू आ चुका है। मम्मा चौक के उठ गई है, टेंडू आ गया है और कैंडू भी आ गया। गेंडू देख, उसके बाद में हम लोग करेंगे वीडियो शूट फन विद परिवर्तन के लिए। और फ्रेंड्स हम लोग रील्स भी बनाएंगे, और अगर आपको हमारी रील्स देखनी है ना तो प्लीज इंस्टाग्राम पे सर्च करिए फन विद परिवर्तन। और सेकेंड आइडिया हमारी फन विद नहीं अच्छी थी वो परिवर्तन ऑफिशियल, सॉरी यार परिवर्तन, दोनों पे करिए आप हमको फॉलो। ये रही हमारी आईडी, उनका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों आप देख चुके हो, विनोद आ चुके हैं चाय लेकर, और अब हम लेने वाले हैं इवनिंग टी का मजा। तो आज आपने कुछ चेंज देखा इसके अंदर? आज ये थोड़ा सा लड़की लड़की और मतलब छोटी लड़की नजर आ रही है, छोटी सी ये बच्ची। ये कहती है कि मैं बचपन में जाना चाहती हूँ, तो उसने 2 चोटियाँ बना ली है। हाँ। और लग भी वैसे ही रही है। हाँ। तो मैंने इसको सजेस्ट किया कि मतलब कुछ दिन तुम ऐसे ही रहो, लोरी गा के मैं सुला दिया करूँगा उसको। हाँ, लोरी की भी जरूरत होगी सुनने की। लोरी सुनाने के लिए ये बच्चा है एक दूसरा वाला। दूध को नुन्नू बोला करेगी, रोटी को तोती बोला करेगी। दोस्तों बज गए हैं रात के 11, और मैं पी रहा हूँ चाय और देख रहा हूँ मूवी बाहुबली। वो लोग सब सो चुके हैं जाके, मैं थोड़ी देर तक अभी मूवी देखूँगा, क्योंकि मुझे बाहुबली मूवी बहुत अच्छी लगती है और मुझे बार बार देखने का मन करता है। और मैं उसको कई बार देख चुका हूँ, लगभग 12-13 बार मैं अब तक देख चुका हूँ उसको, 10-12 दिनों के दौरान, मतलब पर डे इस मूवी को मैं देखता ही देखता हूँ। तो ये मूवी देख के मैं भी सो जाऊँगा। तो मिलते हैं कल,